हेलो एवरीवन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि वीजो डायलिटर्स हैं सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये कहाँ पे होते हैं सबसे पहले ब्लड वेसल्स में भी होते हैं और मायोकार्डियम में भी होते हैं मायोकार्डियम पूरे हार्ट में होते हैं कहाँ कहाँ स्पेसिफिकली होते हैं ये जो वोल्टेज गेटेड स्लो चैनल्स हैं कैल्शियम के ये स्मूथ मसल्स में भी होते हैं कार्डियक माओसाइड्स में होते हैं जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है ऐसे नोड में होते हैं और ए वी नोड में भी होते हैं सो यू कैन से कि तीन जो मैंने आपको बताई हैं ये तीनों इज़ इन हार्ट और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये वास्कुलर कोई भी ब्लड वेसल्स में हो सकती हैं और ये जो ब्लड वेसल्स हैं स्पेसिफिकली हम आर्टेरियोल्स को मानेंगे रादर देन वीन्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो आर्टेरियोल्स को दी जाती है नॉर्मली क्या फंक्शन होता है कि कैल्शियम अंदर आता है और वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की उन्हीं को हम अगर ब्लॉक कर दें तो डायलेशन हो जाएगी ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कैल्शियम चैनल इसके अंदर से कैल्शियम आई कैल मॉड्यूलेंस के साथ बाइंड किया उसने कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे और वो कॉम्प्लेक्स ने स्टिमुलेट किया एक्टिवेट किया एम सी एल के को एम सी एल के क्या है मायोसिन लाइट चेन कॉम्प काइनेस तो ये काइनेस जो है वो एक्टिवेट हो गया अब इसने क्या किया मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट कर दिया तो ये हो गया फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन्स अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन है ये एक्टिवेटेड है तो ये क्या करेगा ये एक्टिन के साथ कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्शन को अंजाम देगा तो वही चीज़ अगर ना हो मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाए तो ये सारा पाथवे इनिबिट हो जाएगा तो फिर इवेंचुअली क्या होगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन नो इट विल रीड टू रिलैक्सेशन सो दैट इज़ वॉट आई हैव रिटन कि अगर हम ब्लॉक कर दें कैल्शियम चैनल्स को तो वेजो डाइलेशन हो जाती है और जब वेजो डायलेशन होती है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस तो हमने बोला कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एक तो हमने ऐसे नोट पे बोल दिया ऐसे नोट का फंक्शन क्या होता है कि वो हार्ट रेट को देखता है कि कितना रेट है क्रोनोट्रॉपी को देखता है तो फिर अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स वहाँ पर हो तो क्या होता है हार्ट रेट इंक्रीज होता है और अगर हमारे मायोकार्डियम में हो तो दैट इज़ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है क्योंकि हमने कार्डियक मायोसाइट्स में भी बोला है नेक्स्ट है कंडक्शन कंडक्शन ए वी नोड है वो उसने ऊपर एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल पे तक उसने कंडक्शन करवानी है तो वो अगर उसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रही है तो वहाँ पर कंडक्शन इंक्रीज़ होती है अब अगर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले लिए तो ये डिक्रीज हो जाएगा ये डिक्रीज हो जाएगा ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो दैट इज़ हमने वर्कलोड कम कर दिया हार्ट का उसका हार्ट रेट कम कर दिया कॉन्ट्रैक्शन कम कर दी कंडक्शन कम कर दी ऑल राइट अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तीन कैटेगरीज में हमें दिखते हैं फिनाइल एल्काइल अमीन इसमें हम विरापा मिल मेनली वापम मिल को याद रखेंगे सेकेंड वन इज बेंजोथायाजिपिन दैट इज डिलटायाज देन इट्स डाई एंड एम्लोडिपिन ये जो डायाहाइड्रोपेरिडिन है इसकी और भी एग्जाम्पल्स याद करने वाली हैं लेकिन फिनाइल अल्काइलमिन में मेनली वेरापामिल और बेन्जोथाइजिपिन में डिल्टाजम हम यूज़ करते हैं इसमें से जो एम्लोडिपिन है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लड वेसल्स पे होता है इन लोगों का होता है ब्लड वेसल्स पे पर इनका हार्ट पे मेन होता है ये इम्पॉर्टेंट है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं मतलब वेजोडाइलेशन हो रही है और अगर वेजो डायलेशन होती है हमें पता है ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल हो जाता है कौन ब्लड प्रेशर चेक करता है हमारे बैरो रिसेप्टर्स नेक के अंदर जो होते हैं वो चेक करते हैं तो उन्होंने क्या करना है उन्होंने रिफ्लक्स कर कर उसमें टेकिकाडिया कर देना है जब कोई वेजो डायलिटर यूज़ होता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसके बदले में क्या होता है रिफ्लक्स टेकिाडिया होने लग जाता है बाय द हार्ट तो अगर हम लोग डायरेक्ट हार्ट पे एक्शन कर रहे हैं मतलब ब्लड वेसल्स की वेजो डाइलेशन नहीं कर रहे तो फिर रिफ्लक्स टेकिाडिया नहीं होता क्योंकि रिफ्लक्स टेकिाडिया होता क्यों है कौन करवाएगा मतलब ठीक है सी एन एस ने बोल दिया कि हा, हाँ हार्ट रेट को बढ़ाओ लेकिन हार्ट रेट को कौन बढ़ाएगा इवेंचुअली ऐसे नोड और ये भी नोड ही बढ़ाएंगे लेकिन वो तो ब्लॉक बैठे हैं वो तो कर ही नहीं सकते काम इसीलिए वो तो बढ़ेंगे नहीं इसमें था ब्लड वेसल्स पे एक्शन तो ब्लड वेसल्स पे एक्शन था उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ तो इन्होंने जब हार्ट पे एक्शन किया हार्ट पे तो अब कोई ब्लॉकर नहीं लगा हुआ क्योंकि मेनली ब्लड वेसल्स पे ये लोग एक्ट कर रहे हैं एम्लोडिपिनस इसीलिए रिफ्लक्स टैकी हो गया अंडरस्टूड तो एज यू कैन सी डिल्टाजम और विरापामिल हार्ट रेट लेकिन जो डाई हैं है, ये इंक्रीज रेट करते हैं हालांकि दोनों ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनको बीपी कम करना है लेकिन बिकॉज वो लोग रिफ्लक्स करके टेकीकाडिया कर देते हैं क्योंकि इनका एक्शन मेनली किस पे होता है ब्लड वेसल्स पर होता है अब जो डाई हैं है, हमने बोला कि वो वेजो डायलीटर्स हैं मेनली उनका एक्शन ब्लड वेसल्स पर होता है तो ये हम पहले भी कर चुके हैं जो वेजो डायलीटर्स होते हैं अगर वो हेड के अंदर हो तो वो मैनेजल आर्टरीज की डायलिशन कर देते हैं और मैनेजल आर्टरीज जो है ये मान लो मनेंजल आर्टरीज है तो ये जब डायलेट होगी तो यहाँ पे पेड रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलेट होंगे और हेड होगी तो दैट इज़ हेड होना फ्लशिंग होता है फेस के ऊपर फेस की जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं तो उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हमारे फेस के ऊपर एकदम से रेडनेस बहुत ज़्यादा से आ जाती है दैट इज़ फ्लशिंग ऑफ फेस नेक्स्ट इज डिजीनेस एंड द लास्ट वन इज डिजाइवल हाइपरप्लीजिया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी तो ऊपर वाली हर वेजोडाइलेटर्स में हो जाती हैं ये जो जिंजाइवल हाइपोप्लेजी है ये हमने पहली बार पढ़ा है तो मैंने आपको बताया कि फिनाइल अल्काइल एल्काइलमीन का विरापा मिल और बेंजोथाइजिपिन का डाइ डिलटायाज इज़ द मेन लेकिन डायोहाइड्रोपेरेडीन में हमें दो तो तीन एग्जांपल्स करनी पड़ती हैं तो लेट्स स्टार्ट एम्लोडिपिन इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि इसका जो टी हाफ है काफ़ी लंबा है लॉन्ग है लेकिन इसमें जो ए है वो इम्पॉर्टेंट है ये क्या कॉज कर देता है इट विल कॉज एंकल एडीमा क्यों एंकल एडीमा क्योंकि ये डायलेट ऑब्वियसली ये एक वेजो डायलेटर है ब्लड वेसल्स पैक करता है तो ये प्री कैपिलरी वेसल्स को डायलेट कर जाता है देट मी शो यू यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से जाएगा तो अगर प्री कैपिलरी जो है वो डायलेट कर जाए ये वाली जो कैपिलरीज हैं इनका ल्यूमन बढ़ जाए तो यहाँ पर ब्लड आ ज़्यादा रहा है लेकिन जाएगा कम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस एरिया में बिकॉज उसका आने का फ्लो ज़्यादा है जाने का कम है तो ये वाले एरिया में एडीमा हो जाएगा तो ये स्पेसिफिकली एंकल में होता है तो दैट इज़ नोन एज एंकल एडिमा तो इसे हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम पोस्ट कैपिलरी को भी पोस्ट कैपिलरीज को भी हम लोग डायलेट कर दें तो वो डायलेट हम कैसे कर सकते हैं अगर हम लोग ए या फिर ए सी दे दें तो फिर हम लोग इनको भी डायलेट कर सकते हैं तो अगर अब आने का फ्लो भी उतना है जाने का फ्लो भी उतना है तो एडिमा जो है वो क्योर हो सकता है नेक्स्ट इज नाइमोटिपिन निमोटिपिन वट एवर यू वॉन्ट टू से ये इसकी एक खासियत है कि ये लिपिड सोल्यूबल है लिपिड सोल्यूबल होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसे इजिली क्रॉस कर जाएगा तो इसका थेरेपिटिक यूज है कि ये वीजोस्पेजम क्योंकि वीनो डायलेटर है ये तो स्पेजम होने से बचाता है ये कहाँ पे जब सब एरेकनॉइड हेमरेज हो गया हो नेक्स्ट इज निफेडिपिन निफेडिपिन इज सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन यूटराइन रिलैक्सेंट हमने एक प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन में एक स्पेसिफिक हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं वो लेबिटलॉल है उसके बाद सेफेस्ट ड्रग जो है दैट इज निफेडिपिन लास्ट इज नाइकार्डिपिन दैट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंड इट इज गिवन इंट्रावीनस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एमरजेंसीज ये जो चा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये हमें पता है कि इन्होंने हमारे हार्ट रेट को कम करना है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है और कंडक्शन को कम करना है तो अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे कार्डियक में डिप्रेशन हो जाएगा डिप्रेशन होने का मतलब है कि ब्रेडी हो गया ए ब्लॉक हो गया कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर तो इनके टॉक्सिसिटी हमारे हार्ट को डिप्रेस कर सकती है अब ये यूज़ कहाँ पर हो सकते हैं तीन एंजाइनाज पढ़े हम लोगों ने स्टेबल अनस्टेबल और वेरियंट तो पहला जो वेरिएंट एंजाइना है उसमें ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इफेक्टिव है 90 परसेंट पेशेंट्स में देन सेकेंड इज एक्जर्शनल एंजाइना जो कि स्टेबल एंजाइना है ये जो है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है कैसे ये वाला एंजाइना है वो किस पे डिपेंड करता है हार्ट रेट पे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे तो ये इन दोनों को ही कम कर रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देगा अनस्टेबल एंजाइना में हम इसे नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका डिप्रेसिंग एक्शन होता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये हार्ट को डिप्रेस कर रहा है तो इसीलिए इसके डिप्रेसिंग एक्शन की वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्यों क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना जो है वो इन्फॉक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो वो एक बॉडरलाइन केस है उसमें हम लोग डिप्रेस नहीं कर सकते उसको क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फैक्ट होने की स्टेज पे है अगर हमने उसको और डिप्रेस कर दिया तो तो वो गया सो दिस वाज अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू